हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे लियोनार्ड डी कार्विन के द्वारा लिखी एक पोयम रेफ्यूजी शिप। सो लियोनार्ड डी कार्विन एक अमेरिकन मैक्सिकन पोइट हैं और ये जो पोयम है जनरली डील करती है आइडेंटिटी क्राइसिस से, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को आइडेंटिटी क्राइसिस परेशान कर सकती है, इस पोयम में आप देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं कि इसमें जो पोएट रहती हैं वो बिलोंग करती हैं मैक्सिकन कल्चर से, जिनका ओरिजिन रहता है, जिनका ओरिजिन मैक्सिकन रहता है, बट उनकी जो लैंग्वेज रहती है वो अमेरिकन रहती है। और ये जो अमेरिकन लैंग्वेज रहती है इनको एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है इनके अपीयरेंस के साथ, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज रहती है वो तो अमेरिकन रहती है बट इनका जो अपीयरेंस रहता है वो मैक्सिकन लोगों की तरह रहता है। सो इस चीज़ को देखते हुए पोएट अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड पाती है और अपनी फीलिंग को इस पोएम की तरह एक्सप्रेस करती है। सो उन्होंने इस पोएम में क्या कहा है, आइए देखते हैं। और ये पोएम जनरली 3 स्टैंजा में है। फर्स्ट स्टैंजा हम लोग देखते हैं। लाइक वेट कॉर्नस्टार्च आई स्लाइड पास्ट माई ग्रैंड मदर्स आइज, बाइबल एट हर साइड, शी रिमूव्स हर ग्लासेस, द पुडिंग थिकेंस। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है मेटाफर यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा, लाइक कॉर्नस्टार्च या फिर पुडिंग थिकनेस। सो इन चीज़ों को देखकर आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जैसे कि लाइक वेट कॉर्नस्टार्च, पोएट कहती हैं कि मैं एक कॉर्नस्टार्च का मतलब होता है मकई का आटा, यानी जो मकई होती है या फिर आप लोग की लैंग्वेज में बोलूँ तो कॉर्नफ्लोर होता है, वो बहुत ही स्लिपरी होता है। तो उसी तरीके से पोएट अपने आप को कह रही हैं कि लाइक कॉर्नस्टार्च मैं भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी हूँ, जो कि अपने ग्रैंड मदर्स के कल्चर और हेरिटेज से को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ और उससे स्लिप कर जा रही हूँ, उस कल्चर और उस हेरिटेज से मैं स्लिप कर जा रही हूँ, अपने ग्रैंड मदर्स के कल्चर और हेरिटेज को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। तो जिस तरीके से कॉर्नस्टार्च स्लिपरी होता है उसी तरीके से मैं भी उस जगह से दूर जा रही हूँ स्लिप करके, जिस तरीके से कॉर्नस्टार्च हाथ में लेने पर स्लिप करता है। बाइबल एट हर साइड सी रिमूव हर ग्लासेस द पोडिंग थिकनेस। यहाँ पर पोइट ने फिर कहा है कि बाइबल एट हर साइड, फिर वो बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो दोनों ही कल्चर को या रिलीजन के थ्रू और कल्चर को किस तरीके से और क्या रिलीजन के थ्रू वो कर रही हैं, यूनिफाई कर रही हैं दोनों ही कल्चर को। वो बाइबल बुक एक सिंबल है उस चीज़ का कि किस तरीके से जो उनकी मैक्सिकन ग्रैंड मदर हैं वो दोनों ही कल्चर को बहुत ही अच्छे से यूनिफाई कर पा रही हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं जैसा कि उनकी ग्रैंड मदर कर पा रही हैं। वो इस चीज़ को आगे बताने के लिए पुडिंग थिकनेस का एग्जांपल देती हैं। पुडिंग जिस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर के कल्चर को, जिस तरीके से पुडिंग जो होता है वो दोनों ही कल्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है, और एक पुडिंग एक मिठाई की तरह होता है जो गोल में बीच में, जैसे हम लोग के पास वड़ा होता है वैसा। सो जिस तरीके से पुडिंग होता है वो मिक्सचर से बनता है और एक कल्चर को रिप्रेजेंट करने में सक्षम रहता है, जो कि उनकी ग्रैंड मदर देख पा रही हैं उस चीज़ों को और उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, उस कल्चर को पोएट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो एक वेट कॉर्नस्टार्च की तरह है, ना कि पुडिंग की तरह है। ठीक है, फिर वो आगे कहती हैं कि मम्मा रेज मी विदाउट लैंग्वेज, आई एम ऑर्फन फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, द वर्ड्स आर फॉरेन, स्टम्बलिंग ऑन माई टंग, आई सी इन द मिरर माई रिफ्लेक्शन, ब्रॉन्ज स्किन, ब्लैक हेयर। सो यहाँ पर पोएट जो कहना चाह रही हैं कि उनकी मदर हैं जो, उन्होंने उनको विदाउट लैंग्वेज रेज किया, यानी बिना उस भाषा को सिखाए हुए उन्हें बड़ा किया है जो उनकी मातृभाषा है, यानी कि जो उनकी मातृभाषा मैक्सिकन और स्पेनिश, वो भाषा जो वो बोलती हैं, जो उनके लोग बोलते हैं, उस भाषा को उनकी माँ ने उन्हें सीखने नहीं दिया। और इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जो वहाँ पर अमेरिका में वो लोग इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेट करें उनके साथ, उनकी बेटी के साथ, कि ये मैक्सिकन भाषा बोलती है और स्पेनिश भाषा बोलती है और यहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए शायद पोएट की माँ ने उन्हें उस लैंग्वेज को सीखने ही नहीं दिया, बल्कि उनकी जो मदर टंग है उसको इंग्लिश रहने दिया, जिसकी वजह से कि वो एक इंग्लिश में बोलने की वजह से वो उन लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल पाए। सो यहाँ पर मगर पोएट को उनसे ये शिकायत है कि मम्मा रेज मी विदाउट लैंग्वेज, यानी उनकी माँ ने उन्हें उस लैंग्वेज को सीखने नहीं दिया, और यहाँ पर पोएट सीधा सीधा एक अपनी आइडेंटिटी पर वार करते हुए कहती हैं कि आई एम ऑर्फेंड फ्रॉम माई स्पेनिश नेम, यानी कि बिना स्पेनिश नेम के, यानी बिना स्पेनिश लैंग्वेज के अपनी आइडेंटिटी को वो
अनाथ की तरह देखती हैं, बिल्कुल अनाथ हो गई हैं, क्योंकि उनके पास उस लैंग्वेज का एक्सेस नहीं है जो उनकी मातृभाषा है। ठीक है, द वर्ल्ड आर फॉरेन स्टम्बलिंग ऑन माई टंग, आई सी इन द मिरर माई रिफ्लेक्शन ब्राउन स्किन ब्लैक हेयर। सो यहाँ पर पोइट कहती हैं कि जो भाषा मेरी मातृभाषा है वो जो भाषा मेरी मातृभाषा है वो मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज हो गई है, और जब मैं उस भाषा को पढ़ती हूँ, उस लैंग्वेज को पढ़ती हूँ, तो वो मेरे मुंह में अटकते हैं, तो उन भाषा को मैं बोल नहीं पाती हूँ, उस भाषा को मैं बात नहीं कर पाती हूँ उस भाषा में, क्योंकि उसके वर्ड्स मेरे मुंह में अटकते हैं, क्योंकि वो अब मेरे लिए फॉरेन हो गई हैं। मगर ऐसा एक चीज़ है जो उनको परेशान करता है, उनका अपीयरेंस। वो जो अपीयरेंस है उनका, उनका जो रिफ्लेक्शन है जो वो शीशे में देखती हैं, उनकी जो ब्राउन स्किन है, उनका जो ब्लैक हेयर है, वो मैक्सिकन लोगों की तरह हैं, और वो उन्हीं लोगों की तरह हैं बिल्कुल जो कि मैक्सिकन में लोग होते हैं उनकी तरह हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज है उन लोगों की तरह नहीं है, उनकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। सो यहाँ पर आप लैंग्वेज और अपीयरेंस का बहुत ही सटीक कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हैं, जिसकी वजह से पोएट अपने आप को इतना आइसोलेटेड पा रही हैं। आई फील आई एम कैप्टिव अबॉर्ड द रेफ्यूजी शिप, द शिप दैट विल नेवर डॉक, एल्बा को क्यूर न्यूनेक एट्रैका। सो यहाँ पर पोएट हैं वो पोएम को एंड करते हुए कहती हैं कि आई फील आई एम कैप्टिव अबॉर्ड द रेफ्यूजी शिप, और यहाँ पर अबोर्ड रेफ्यूजी शिप, सॉरी, सो अबोर्ड रेफ्यूजी शिप, जिस तरीके से एक रेफ्यूजी शिप होती है जो कि एक बंदरगाह पर खड़ी रहती है और वो अपनी यात्रा के लिए कभी निकलती नहीं है, उसी तरीके से वो एक जो बंदरगाह है वहाँ पर अपने आप को बंधी हुई पाती है, कैपिटिव यानी आइसोलेटेड पाना, बंधा हुआ पाना, उसी तरीके से पोइट भी अपने आप को उस मेटाफर को यूज़ करते हुए बताना चाह रही हैं कि मैं भी अपने आप को उस शिप की तरह मानती हूँ जो उस बंदरगाह पर बंध गई है। उसको वो कहती हैं कि वो लैंग्वेज और अपीयरेंस के बीच में फंस गई हैं इस तरीके से कि वो अपने आप को इतना आइसोलेटेड मान रही हैं कि वो उस रेफ्यूजी शिप की तरह ही हैं जो कभी डॉक नहीं करती, यानी कभी अपनी यात्रा के लिए निकली ही नहीं, द शिप दैट विल नेवर डॉक, जो शिप कभी अपनी यात्रा के लिए आगे गई ही नहीं। ठीक है, और इसी बात को उन्होंने दर्शाने के लिए अपनी मातृभाषा, वैसे इनकी मातृभाषा तो जो रहती है वो उसमें लिखा है एल्बा को क्यून नैनिक अटारका, जो कि स्पेनिश में है। सो आई होप कि आपको ये पोइट्री समझ आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एक बार और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।